नमस्ते, सुप्रभातम। रंगमंच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गडेरे की कहानी सुनाऊंगी, है ना। गडेरे जानते हो, किसकी कहानी सुनाऊंगी आज मैं गडेरे कहानी। एक बहुत बड़ा गांव था, है ना। उस गांव में कौन रहता था? एक गडेरिया रहता था। कौन रहता था? गडेरिया। और गडेरिया किसको कहते हैं पता है आपको? गडेरिया जो किसको चलाता है? भेड़ों को चराता है और बकरियों को भी चराता है ना। उसको गडेरिया बोलते हैं। गांव के अंदर बहुत सारे लोग गाय भैंसे कुछ भी चराते हैं। तो इसी तरह जंगल में जाया करता था। कहाँ जाया करता था? जंगल में। जंगल में क्यों जाता था? जंगल में क्यों जाता था भाई? गायों को, भैंसों को और अपने ये क्या भेड़ों को, बकरियों को, ये भेड़ और बकरे लेके गांव में जाता। गांव में पता है उसमें जंगल में छोटे छोटे घास होता है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, है ना। वो चरती है इसीलिए वह लेके जाते हैं जंगल में। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसने बैठे बैठे क्या करा, मजाक सूझी। उसने कहा भेड़े चल रही है और बकरे चल रही है तो अपन तो क्या करें, अपन तो बैठे बैठे वो सोचने लगा कि मैं क्या करूँ। ऐसे करते करते सोचते उसने एकदम से मजाक आई मन में, दिमाग में आई, आज अपन बैठे बैठे किसी के साथ मजाक करते हैं। वो सोच रहा है आज किसी के साथ मजाक करते हैं। और वो साथ में मजाक करता है और बचाओ बचाओ भेड़िया आ गया ज़ोर से चिल्लाता है। क्या करता है कि वो बच्चों बच्चों भेड़िया गया। पास के खेतों में कौन किसान काम करते हैं भाई? जंगल के पास तो क्या होता है, खेती होते हैं। तो किसान क्या कर रहे थे? खेती कर रहे थे, है ना। खेतों में रहते हैं किसान। और उन्होंने क्या करा, पास के खेतों में से किसान क्या करा, दौड़े दौड़े आए। जो जो चिल्लाए ना बचाओ बचाओ बचाओ, तो पास के खेतों में से किसान दौड़े दौड़े आए और क्या लेके आए, लाठी, है ना, बहुत बड़ी बड़ी लकड़ी होती ना, वो लकड़ी लेके आए। और लकड़ी लाके और उसके पास उसके गडेरे के पास आकर बोला, है ना। उन्होंने आकर गडेरा से पूछा क्या हुआ। तो उसने कहा अरे कुछ नहीं हुआ, मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था। क्या कहा? मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था। गडेरिया बहुत तेज हंसा और बोला। गडेरिया बहुत तेज हंसने लगा और बोला कि देखो मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था। और फिर क्या होता है, ये सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये सुनकर किसान जो आते हैं ना, किसानों को बहुत गुस्सा आता है। दोनों किसान क्या करते हैं, दोनों किसान उसके पास गडेरिया से नाराज़ होके चले जाते हैं। और गडेरिया ये शरारत दो तीन बार करता है। ये शरारत कितनी बार? दो तीन बार करता है। और गांव वाले बार बार फिर लकड़े लेके आते हैं और उसकी ये सहायता के लिए आ जाते हैं। चिल्लाता है ये भी कि मुझे बचाओ बचाओ भेड़े आ गए, बचाओ बचाओ भेड़े आ गए, भेड़ों को खा जा गया। तो गांव वाले उसकी सहायता के लिए आते हैं और वो क्या कहता है, वो उन्हें कहता है मजाक बना देता है। क्या कहता है? और वह उनका मजाक बना देता है, हंसने लग जाता है और उस फिर नाराज़ हो जाते हैं गाँव वाले। और वापस क्या करते वो, फिर वापस अपने भेड़ों को जंगल में चरा रहा था। एक दिन और पहले वो आते हैं, चले जाते हैं सब कुछ, फिर वापस दूसरे दिन तीसरे दिन आते हैं ना भेड़ों को चराने जंगल में, और आता है और आता है। एक दिन जंगल में आके भेड़ों को तो छोड़ देता है, आप बैठ जाता है। जितने में क्या आता है कहीं से एक भेड़िया आ जाता है और वो ज़ोर से कौन गडेरिया बोलता है अरे बचाओ बचाओ बचाओ। क्या करता है वो, भेड़ पर हमला कर दिया। तो वो ज़ोर ज़ोर चिल्लाता है अरे बचाओ भेड़ों को ना भेड़िया खा रहा है, अरे बचाओ भेड़ों को भेड़िया खा रहा है। लेकिन आसपास वाले कोई नहीं सुनते हैं, है ना। वो ज़ोर ज़ोर चिल्लाता बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। भेड़िया क्या करता है, भेड़िया मेरी भेड़ों को खा रहा है। लेकिन कोई भी किसान आसपास वाले कोई नहीं आता और उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता है, कोई बात नहीं सुनता है कि वो तो रोज़ रोज़ झूठ बोलता है, रोज़ मजाक बनाता है। तो एक भी आसपास वाले किसान उसके पास नहीं आते हैं। और ऐसे करते क्या होता है, झूठ व्यक्ति पर कोई भी भरोसा नहीं करता है ना। जो झूठे व्यक्ति होते हैं ना उस पर कोई भरोसा नहीं करता, जो झूठ मजाक करता है उस पर कोई भरोसा नहीं करता है। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए ना। अगर ये एक बार मजाक करता, दूसरी बार अगर वो मजाक नहीं करता तो क्या पता बचाने आ जाते गाँव वाले। लेकिन वो बार बार उनको क्या कर रहा था, झूठ बोल रहा था। इसलिए झूठे व्यक्ति पे कोई विश्वास नहीं करता है।